बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं कि यह बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसलों के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुईं और आखिरकार एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई, वो मुसलमान पागल जिनके संबंधी हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए, बाकी जो थे उन्हें सरहद पार रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पार पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चीमेगोइयां होने लगीं। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से रोज बाकायदी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौरव फिक्र के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक और सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। तो दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। अब बाज पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे, उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागलखाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्या तकसीम हुआ और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, उनकी गुफ्तगू से भी कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिनको कायदे आजम कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब ये कहाँ है, इसका महले वकू क्या है, इसके मुतल्लिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था इस मकमसे में गिरफ्तार थे कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले यहां रहते हुए भी वो हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठ के 2 घंटे मुस्तकिल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया, डराया धमकाया तो बोला, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं इसी दरख्त पर रहूँगा। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर था जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास क्यारी पर सारा दिन टहलता रहता था। उसे यह तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। यन्यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने जो मुसलमान लीग का एक सरगर्म कारकुन था और दिन में 15-16 मरतबा नहाता था, यकायक की आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में मुब्तला होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। गो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उसको भूला न था। चुनांचे वह उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गाली देता
जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकीलों को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा ना करें, उसको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर नहीं छोड़ना चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में शायद उसकी प्रैक्टिस न चले। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उन्हें बड़ा रंज हुआ। वह छुप छुप कर इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागलखाने में उनकी हैसियत क्या रहेगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहरमार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागलखाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान पर अजीबोगरीब अल्फाज सुनने में आते, ओ पड़ी गुड़गुड़ दी एंग्स दी बेध्याना विमंग दी बॉल ऑफ दी लालटेन। वो न दिन में सोता न रात में। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस से तवील अरसे में एक लम्हे के लिए भी सोया नहीं है, लेटा भी नहीं है, अलबना किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां फूल गई थीं। मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतल्लिक जब भी पागलखाने में गुफ्तगू होती तो वह बड़े गौर से सुनता। कोई उससे पूछता कि क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एंग्स दी विध्याना विमंग दी वॉल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी यह मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो यह बताने की कोशिश करते वह खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते कि सयालकोट पहले पाकिस्तान में होता था पर अब सुना है कि शायद पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा, या सारा का सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन एक सिरे से गायब नहीं हो जाएंगे। उस सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि वो बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजरर था, 15 वर्षों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागलखाने के जो पुराने मुलाजिम थे उनके मुतालिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए थे और पागलखाने में दाखिल करा गए। महीने में एक आध बार मुलाकात के लिए ये लोग आते और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते। एक मुफ्त तक यह सिलसिला जारी रहा पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना भी बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने दिन बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज व उसके संबंधी उससे मिलने के लिए आते तो वह अपने आप चला जाता था। चुनांचे वह दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह से नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बज कर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो खामोश रहता या कभी कभार ओपड़ी गुड़गुड़ दी एंग्स दे बेध्याना विमंग दी वॉल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता नहीं था। वह बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन पर दिन बढ़ती गई।
अब मुलाकात नहीं आती है। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ ही बंद हो गई हो जो उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते रहें और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाएं। वो उनसे अगर पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो यकीनन वो उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागलखाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो आदत के अनुसार उसने कहकहा लगाया और कहा, वो ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, और इसलिए क्योंकि अभी तक हमने हुक्म नहीं दिया है। बिशन सिंह ने इस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दें ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा बहुत मसरूफ था इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एंग्स दी विध्याना विमंग दी वॉल ऑफ गुरु जी द खालसा एंड वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। उसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त उससे मिलने आया, पहले वह कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस आने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका कि यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से चले गए थे, मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, कुछ कहते कहते वह रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा, बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक कर कहा, हाँ वो ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बिंधावा सिंह से सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है, जो भूरी भैंसें वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन की ही मर गई। और मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं। बिशन सिंह ने फजलदीन से पूछा, ये टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में के हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, शायद पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एंग्स दी बिध्याना विमंग दी वॉल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी हुए फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर, उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्त पहुंच गई थी। तबादले का दिन भी मुकर्रर हो गया था। सख्त सर्दियां थीं। जब लाहौर के पागलखानों से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुईं, तो मुतल्लिक अफसर भी हमराह थे। वागा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले, और कार्यवाहियां ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा। पागलों का लॉरियों से निकलना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो निकलते ही नहीं थे, जो निकलने पर रजामंद हो जाते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता क्योंकि वो इधर उधर भागते। जो नंगे थे उन्हें कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर उन्हें अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बक रहे हैं, कान पड़ी आवाज़ें सुनाई देती थीं। सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत बज रहे थे।
पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। चंद जो सोच रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दो तीन मर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज़ मुसलमान और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया। जब बिशन सिंह की बारी आई और वागा के उस पार अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने फिर पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अफसर हंसा और बोला, पाकिस्तान में भई। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? ओपड़ी गुड़गुड़ दी एंग्स दी बेध्याना विमंग दी वॉल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, और अगर नहीं गया है तो उसे फौरन भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब उसको दुनिया की कोई ताकत वहां से हटा नहीं सकती। आदमी क्योंकि बेजरर था, इसलिए उससे जबरदस्ती ना की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और बाकी काम होता गया। सूरज निकलने से पहले उस शांत बिशन सिंह के हलक से एक आसमान को फाड़ देने वाली चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा था। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस एक टुकड़े पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।